Hey guys, very good morning to all of you and welcome back to my first daily vlog. और गुड मॉर्निंग हो चुकी है मेरी, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। सो गाइज, आप देख सकते हैं मेरी वाइफ बना रही मेरे लिए ब्लैक कॉफी सुबह 4:30 बजे और उसकी हालत हो रही है थोड़ी बेकार। दिखा दो अपनी अर्ली मॉर्निंग फेस, दिखा दो एक बार बीजी, खुशी देखो चेहरे पे। मैं हो चुका हूँ फ्रेश और मेरा टाइम हो चुका है जिम जाने का। और जिम जाने से पहले मैं जो अपनी प्री वर्कआउट मील लेता हूँ, प्री वर्कआउट मील और उसमें मैं लेता हूँ ब्लैक कॉफी प्लस 1 राइस केक विद पीनट बटर। और देखिए मेरी वाइफ कर रही है झाड़ू पोछा सुबह के 4:30 बजे। और आप बताइए, आपकी कोई बहन या वाइफ या आपकी कोई फ्रेंड करती है इतने सुबह सुबह काम, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये छुप गई है जाके किचन के अंदर, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए छुप गई है, हाथ में है इसके झाड़ू पोछा वाइपर। मैं आप लोगों को बता दूँ, जो मेरा जिम है मेरे घर के बहुत पास है, तो मेरे को बहुत सहूलियत होती है अपने जिम जाते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मैं 2 मिनट में अपने जिम भी पहुंच जाता हूं। सबसे पहले प्रणाम हमारे जिम को। और इस तरीके से हमारा है जिम, सो आप देख सकते हैं सुबह के बज गए हैं 5:15 और मैं पहुंच चुका हूं जिम। तो इस तरीके से मेरा कुछ जिम दिखता है और थोड़ा सा मेरे जिम का टूर कर लीजिए आप। और ये हैं मेरे कुछ बड़े अचीवमेंट्स मेरी बॉडी बिल्डिंग के, ए बिग फिट सीजन 1, सीजन 2, मिस्टर यूनिवर्स बैंकॉक, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर गाजियाबाद, यूपी। सबसे पहले जिम में आकर मैं करता हूँ अपना पूजा पाठ, अपने भगवान जी को प्रणाम, उसके बाद ही मैं अपना वर्कआउट चालू करता हूँ। सो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मेरा जिम है डंबल्स एंड ड्रीम्स, जो कि गाजियाबाद साहिबाद में, और मेरे जिम को ऑल पूरे हो गए हैं 11 साल और मुझे फिटनेस लाइन के अंदर हो गए हैं पूरे 14 साल। तो एक बहुत लंबी जर्नी रही है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर और अब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी है, तो आप लोग का फुल सपोर्ट चाहिए मुझे अपनी इस जर्नी में। सो गाइज, मेरा वर्कआउट खत्म हो चुका है और मैंने जैसे कि अभी आधे घंटे का पहले क्रिएटिन लिया था, अब मैं पीऊंगा प्रोटीन जो कि हाइड्रो मसल कंपनी का फ्रॉम गूफी न्यूट्रिशन। अब चल रहा है पर्सनल ट्रेनिंग सेशन। अनदर पर्सनल ट्रेनिंग सेशन इज गोइंग ऑन विद पाजी और पाजी का इस टाइम पे पर्सनल ट्रेनिंग होता है और पर्सनल जिम आप देख सकते हैं कोई भी जिम के अंदर नहीं है क्योंकि पाजी अक्सर लेट ही आते हैं। और आज हम ट्रेन कर रहे हैं बैक, पाजी ने ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज लिया हुआ है और जिसमें उन्होंने अभी कम किया है 2 महीने में 11 किलो वजन का। सो एक लाइक तो पाजी के लिए भी बनता है, पाजी हाई कर दो। आप देख सकते हैं पाजी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत और हम लोगों ने एक चैलेंज लिया हुआ है और जैसे ही पाजी पतले हो जाएंगे तो पाजी ने मुझे प्रॉमिस किया पाजी मुझे थाईलैंड ले आएंगे घुमाने। क्यों पाजी, पाजी कहाँ ले आओगे? थाईलैंड। पक्की बात है? का पूरा स्पॉन्सरशिप पाजी की तरफ से है।
तो जल्दी पाजी के लिए विश करें कि पाजी पतले हो जाए और मैं थाईलैंड पहुंच जाऊं फिर से। अब हो गया हमारा जिम टाइम ऑफ और हम जा रहे हैं जिम बढ़ा के अपने घर। आ चुका हूँ जिम से घर और घर में आते ही देखा मैंने परी पढ़ाई कर रही है आज पहली बार। पढ़ाई कर रही है, अपना हॉलीडे होमवर्क कर रही है। परी आज की छुट्टी आज फिर सर खाएगी हमारा। और ये हमारी मम्मी, मम्मी हाई कर दो ऑडियंस को। हाय बाय। किस कर दो, एक फ्लैंक किस। फ्लैंक किस कर दो, फ्लैंक किस कर दो। ओह माही बिस्ट यहाँ पे तैयारी कर रही है अंडे उबालने की। हमारे देखिए अंडे उबाले जा रहे हैं। अंडे कैसा लग रहा है आपको अंडे उबाल के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। आप पहले वेजिटेरियन थे, अब आपको अंडे उबालने पड़ रहे हैं, आपको कैसा लगता है अपने पति के लिए काम करना? अपने पति के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। हाय हाय हाय, ऐसे भी भगवान सबको दे। मेरा हो गया नहाने का टाइम और आप सीटी की आवाज सुन रहे होंगे, साथ में अंडे भी उबल रहे हैं, तो मैं नहा के आता हूँ फिर मैं करूंगा नाश्ता बॉइल्ड एग्स का। आ चुका है मेरा मील, देख सकते हैं आप, दिखा दो। ये है एग वाइट्स और दूध और साथ में हरी सब्जी और ये है मेरी बॉडी का राज। हमारे घर में आप देख सकते हैं ये रोज का सीन रहता है। टीवी चलती है, मेरी बीवी टीवी में घुसी रहती है और मेरी मम्मी भी, मेरी मम्मी को आप देख सकते हैं। और परी अभी भी पढ़ाई कर रही है, बस पढ़ाई कर रही है, नहीं कर रही पता नहीं, पर ओवर एक्टिंग कर रही है, पढ़ तो कुछ वही नहीं है। बस तो बोलो क्या बोला, कंटेंट दो कुछ, कुछ तो बोलो। ये वाला कितना बड़ी मस्त है। तो गाइस अब चाचू ने जो कि मिठाई मंगवाई है, अब मैं मिठाई लेने जा रही हूँ। ये हमारा फ्रिज है, इतनी सी मिठाई खाएंगे, इतनी सी, कुछ नहीं छोड़ते है घर पे, सारे सारा का सारा सामान खा जाते भुक्कड़ एकदम। सारा आज बता दिया मैंने। गाइस चाचू सब इतनी सी मिठाई खा रहे हैं, इतनी सी, क्योंकि परी सारी मिठाई खा चुकी है, मैंने इतनी सी मिठाई बचाई है। गाइस ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं खाई है, खुद इन्होंने सारी मिठाई खा चुकी है। मैं जा रही हूँ समोसे लेने के लिए, जो भी चाची के साथ समोसे और चाउमीन, और बहुत धूप हो रही है यहाँ पे और मेरे को ये डर है कि चाची का फोन मेरे पास है और मैं गली में घूम रही हूँ कोई चोरी ना कर ले। तो गाइज अब मैं पहुँच चुकी हूँ शॉप में और अभी चाची जो कि है वो बिलिंग करवा रही है, मतलब समोसे और चाउमीन ले रही हैं, तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ समोसे और चाउमीन और मेरे को जलेबी भी लेनी थी ना। नहीं जलेबी भी बना लेते चाची। ठीक है, अभी हमें जलेबी लेने का मन कर रहा था पर चाचू ने मना कर दिया, फिर क्योंकि चाचू को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, फिर चाचू ने छोड़ के क्या करना है, छोड़ो, फिर चाचू ने भी मना कर दिया जलेबी के लिए। बिस्किट्स भी बहुत, ओह देखो गाइस नए बिस्किट्स आए हैं, ये कुछ चॉकलेटी वाले बिस्किट्स हैं, मैं आपको इसका भी ट्राई करके बताऊँगी। और हाँ प्लीज़ कमेंट्स भी देना, हमें कमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है आपके, हम रिप्लाई भी करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स भी करना। तो गाइस अब यहाँ पे हमारी चाउमीन बन गई है, तो ये हाय कर दो। और हम आए हैं सागर स्वीट्स में, हाँ फेमस यो। मम्मी भी आ रही है, आ जाओ मम्मी, दादी को क्या खाओगे, चाउमीन समोसा मम्मी कैसा लग रहा है, है? ये देखिए गाइस मेरी मम्मी कितने अच्छे तरीके से खा रही है, कैसा लग रहा है मम्मी चाउमीन? मेरा इवनिंग में जिम जाने का टाइम हो चुका है, मैं शाम को एक प्रोटीन लेता हूँ जो कि हाइड्रो मसल्स कंपनी का है, और इसके बाद जाने से पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी लूँगा और साथ में लूँगा राइस केक प्लस पीनट बटर। सो आई एम ऑन माय वे टू जिम। गाइस अभी मुझसे एक बंदा मांग रहा था सपोर्ट, बोरा बंदा
और मैंने बोला भाई सपोर्ट की तुम्हें खुद जरूरत पड़ी इस टाइम पे, ये देखो बीमार पड़ गया तुम्हारा भाई, गोलियां खानी पड़ रही है। सो चल रहा है यहाँ पे पर्सनल सेशन सर के साथ। सर कुछ कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस? सर की वीडियो लेना, सिर्फ नीचे की नहीं है, ऊपर ऊपर की जरूरत। नीचे क्यों? नीचे क्या है? नीचे अभी कम करना ना पेज, नीचे दिखा दूं। सो मेरा कुछ खाने का मन तो था नहीं, क्योंकि मेरी एनर्जी हो गई डाउन फीवर से, और पर मेरी वाइफ नहीं मान रही थी, वो मेरे लिए चपाती और ये टी ले आई है, तो पहले खा लेता हूँ फिर उसका दवाई तो खानी पड़ेगी। तो मेरी हो चुकी है तबीयत बिल्कुल ख़राब ब्लॉगिंग करते करते, और मुझसे तब कुछ बोला नहीं जाएगा, हमारा ब्लॉग ख़त्म हो चुका है, तो मेरी तरफ से मेरी मम्मी बोलेगी, वीडियो को एंड करेगी। कर दो मम्मी साहब, एंड कर दो। एंड क्या करना भाई, बीमार हो गया लड़का है। और चैनल को, आज चैनल को सरप्राइज कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और क्या कर दो, घंटा का दबाना ऐसे। So do subscribe to our channel, like, share. So, मिलते हैं next vlog में।